दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो अभी फॉर्म निकला है राजस्थान संगणक रिक्रूटमेंट 2021 के, उसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें हम सैलरी के बारे में बात करेंगे, उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसमें कितनी फीस लगनी है इसमें उसके बारे में बात करेंगे, क्या योग्यता है इसके बारे में बात करेंगे, आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम कब होगा इस सब के बारे में हम फुल डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? RSMSSB कंप्यूटर संगणक वैकेंसी 2021 जो निकला है 250 पदों के लिए, इसके बारे में हम फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको GK का वीडियो इसमें, ठीक है, आपको मैं वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। RSMS कंप्यूटर संगणक वैकेंसी 2021 नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने संगणक यानी कंप्यूटर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार RSMS के संगणक के लिए 250 पदों का आवेदन आमंत्रित किया है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान संगणक भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम RSMS संगणक ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य माने कि आयु सीमा के बारे में जानेंगे, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानेंगे, चयन प्रक्रिया यानी जो आपको चयन किस तरह से होगा उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में विशेष रूप से इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। RSMSSB जो है एग्ज़ाम, जो संगणक एग्ज़ाम है कंप्यूटर के लिए जो एग्ज़ाम निकला है उसके लिए। ठीक है, हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं अपना कि वैकेंसी कितना आ रहा है, वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। तो संगणक के लिए 220 है और मान कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 220 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 30 है। तो कुल पोस्ट आपको कितना हो गया यहाँ पे 250 सीटों के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और माना जा रहा है कि ये एग्ज़ाम आपको फॉर्म जो अब मैं बताऊंगा अभी दिसंबर तक एग्ज़ाम को संभावना के एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगता है ये एग्ज़ाम आप वो भी देख लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपलब्धि या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट वन का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DO द्वारा संचालित उच्चतर एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी आपको प्रमाण पत्र हो जो भारत सरकार के मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से, तो वो भी आप लोग हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और हम देख लेते हैं जो लास्ट अपना है, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जरूर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एज लिमिट, कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्म, तो एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 18 साल के बंदे जो वो फॉर्म भर सकते हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं एग्जाम शैक्षणिक योग्यता वाला वो। ठीक है, और मैक्सिमम 40 साल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में जो कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलता है वो भी इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। जो आपको इम्पोर्टेंट डेट है भाई वो है स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई, जो आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आज 6 तारीख से मैंने कि 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2021 तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कितना फीस लगने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस जो आपको है जनरल कैटेगरी के लिए ₹450, OBC जो जनरल कैटेगरी में OBC MBC और EWS में 350 है, SSC ST के लिए 250 है। ठीक है, फीस। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो RSMS कंप्यूटर संगणक कंप्यूटर सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको दो होगा, एक तो रिटर्न एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, साथ में दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए आप वही आदमी फॉर्म भरिएगा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा जो आपको मैंने बताया डिटेल वो डॉक्यूमेंट्स आपके के पास हों तभी। ठीक है, अब एग्ज़ाम जो है
कितने मार्क्स का होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर है और कितने मार्क्स का आएगा। तो पहला पार्ट है जीके, जीके 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का आएगा। दूसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये भी 70 नंबर का होगा और इसके भी मार्क्स कितने होंगे, 70 मार्क्स है। टोटल जो आपको 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पेपर कैसा, किस टाइप का आएगा। देखिए तो पेपर है, पेपर दो भाग में होंगे, मैंने आपको बता दिया दो भाग में होने हैं, एक में आपको जीके, दूसरे में आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये आना है। परीक्षा 100 अंकों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटों की होगी, 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक क्वेश्चन करने पर आपको 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग के साथ हो रहा है एग्जाम, ठीक है। न्यूनतम योग्यता अंक अंक परीक्षा के कुल 40% होना चाहिए, मतलब कि आपको जो मिनिमम मार्क्स लाना है वो जैसे 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो आपको 40 मार्क्स कम से कम लाना है, ठीक है। पेपर का मानक डिग्री, मानक स्नातक डिग्री का होगा, जो पेपर का जो मानक है स्नातक डिग्री, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इसको, सॉरी सिलेबस है इसका। जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग प्राकृतिक संसाधन, वन, पशुधन, वन्य जीव और इसका संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख सिंचाई परियोजना, हस्तशिल्प, विकास कार्यक्रम, राज्य सरकार की योजनाएं, राजस्थान की शक्ति, जनसंख्या की विभिन्न संसाधन, ये आपको जीके में पढ़ना है। और देख लेते हैं जीके में क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, ये तो आपको ज्योग्राफी से था, हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान में, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाटक, लोक देवी देवता, लोक संगीत और नृत्य, मेला त्यौहार, सीमा शुल्क, आभूषण, प्रसिद्ध किले, मंदिर और हवेली, राजस्थान के संत, पेंटिंग, राजस्थान के विभिन्न स्कूल, प्रमुख पर्यटन केंद्र और विरासत संरक्षण, और लास्ट टॉपिक है अपना करंट अफेयर। इस टॉपिक से आपको राजस्थान जी का जो जी के 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनने वाला है, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं राजस्थान का जीके का पूरा वीडियो, मेरे पास लगभग कम से कम 2500 क्वेश्चन का लिस्ट है, यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए करवाना स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के सिलेबस देख लेते हैं। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल ट्रेंडेंसी, डिसअपीयर एंड मूवमेंट्स, ये आपको पढ़ने हैं स्टैटिस्टिक्स में। इंडेक्स नंबर में देख लेते हैं, यूजेस पढ़ना है, टाइप पढ़ना है, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड, सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव्स, चैन बेस्ड इंडेक्स नंबर, बेस शिफ्टिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये आपको पढ़ना है किसमें, मैथ, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में, ठीक है। और आगे देखते हैं, डिजाइन ऑफ सिंपल सर्वे में, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सिंपल एस्टिमेटर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, आपको क्या पढ़ना है, कोरिलेशन एंड इट्स कॉफिशियंट, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको कंपोनेंट्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रेड, सीजनल, साइक्लिक एंड इरेगुलर वेरिएशंस, आपको इतने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। मैथ साइंस और मैथ साइंस कहते हैं, मैथ स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आपको जो सैलरी मिलेगा जो मिलेगा कितना, 26,000 पर मंथ लेवल 8 के बेस्ड पे, कम मिला, कितना कम मिला है, लेवल 8 के बेस्ड पे मिला है। तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है, सिलेबस मैं बहुत जल्दी जल्दी बताया हूँ, आप लोग इसको PDF बोलेगे तो मैं PDF डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी सारी चीज़ मैंने, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपको सारी चीज़ मैंने बता दिया है। ये 250 सीट के लिए जो एग्ज़ाम हो, मतलब कि एग्ज़ाम होगा वो लगभग लगभग दिसंबर में समझ लीजिए
कर लिया, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।